अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं आपको पास्ता बनाने की रेसिपी दूंगी। ये हम चिकन एंड वेजिटेबल पास्ता मिक्स बनाएंगे। ये बहुत ही मज़े का इस रेसिपी से रेडी होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये मेरे पास पास्ता का पैकेट है जो कि 1 kg का है, तो मैं इसको 1/2 kg आज रेडी करूँगी। 1/2 kg के लिए फिर मैंने यहाँ पे चिकन लिया है, ये मेरे पास चिकन है, तो चिकन जो है वो तकरीबन मैंने 1 piece बोनलेस लिया है। इसको मैं बॉईल करूंगी और पास्ता को भी बॉईल करूंगी, ठीक है। और जो वेजिटेबल इसके अंदर मैं ऐड करूंगी वो मेरे पास मिक्स पेपर थी फ्रोजन, जो कि मैं इसमें यूज करूंगी। फ्रेश इस टाइम मेरे पास नहीं थी, वरना वो मैं हमेशा अपने खाने में फ्रेश ही यूज करती हूँ। तो ये 3 carrot है मेरे पास, ये यूज करूंगी। और ये कैबेज है, ये 1 piece, इतना कैबेज को हम क्रश करेंगे, कैरेट्स को भी हम क्रश करके इसके अंदर शामिल करेंगे। तो ये मेरे पास है वाइट पेपर है, और ये चाइनीज सॉल्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे, और ये नॉर्मल सॉल्ट ऐड करेंगे। हल्की कर लेंगे ताकि हमें अभी इसके अंदर मसाले डालने हैं और इसको
देखिए कितना खूबसूरत कलर वेजिटेबल का इसके अंदर लगता है। जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है, ये खाने में भी उतने ही मजे का पास्ता आपका बनेगा। बच्चे तो इसको बहुत ही शौक से खाते हैं, पसंद करते हैं। बच्चे क्या बड़े ही बहुत लाइक करते हैं। इसके अंदर मैं हाफ टी स्पून के करीब जो है वो वाइट पेपर ऐड करूंगी। सॉल्ट मैंने ऐड किया है हाफ टी स्पून इसके अंदर, क्योंकि हम चाइनीज सॉल्ट भी डालेंगे तो सॉल्ट केयरफुल होके आप डालिएगा। चाइनीज सॉल्ट मैंने हाफ टी स्पून डाला है इसके अंदर, और सोया सॉस तकरीबन मैं इसके अंदर एक टी स्पून के करीब शामिल करूंगी। बस थोड़ा सा डालना है, ज्यादा नहीं। अब आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा वेजिटेबल को नरम होने का वेट करना है। इस तरह से हम इसको साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे। इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली जो कि पानी छोड़े। गाजरें भी थोड़ी हैं, वो साथ ही साथ इसका पानी खुश्क हो जाएगा। और देखिए लाल मिर्च के कितनी खूबसूरत इसका कलर आया है। मेरे देखने वाले जो हैं वो मेरी रेसिपी बहुत पसंद करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि वो मेरे से नई नई चीज़ों की फरमाइश करते हैं। आप फरमाइश किया करें, हम आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी किया करेंगे। और हमेशा मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपको बहुत ही सिंपल रेसिपी बताऊं। जो जो चीज़ें इसके अंदर ऐड हो वो आपके पास घर में ही मौजूद हो, वो आपको बाहर से ना लानी पड़े। ठीक है, अब देखें तो हमारी जितनी वेजिटेबल है वो अच्छी तरह से देखे सॉफ्ट भी हो गई है, और कितना खूबसूरत कलर इसका आया है। इस सूरत में हम इसके अंदर पेस्ता ऐड करेंगे। पेस्ता जो है वो हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, जितना हमने बॉयल किया है एकदम से नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि हमारे पास्ता जो हमने बॉयल किया है वो ज़्यादा हो जाए, मसाला कम हो जाए। तो आप साथ साथ मिक्स कर करके इसको आप इसके अंदर शामिल करती जाएं, क्योंकि ये जो मसाला है ये बहुत ही बारीक बारीक चिकन के पीसीज हुए होते हैं, अच्छी तरह से मिक्स करना पड़ता है। जी आप देखिए कि मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। देखिए कितना मज़े का ये लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त ये पास्ता रेडी होता है इस तरीके से। और बहुत सिंपल रेसिपी है। आप पास्ता वगैरह अपना चिकन जो है वो पहले से बॉयल करके रख लें, इतना टाइम नहीं लगता, बस इसको मिक्स करना है और ये रेडी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी